वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज हम पर्यावरण और बाल विकास विषय के वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आप हमारे सभी क्लासेस के PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि DDT क्या है। DDT एक एंटीबायोटिक है या फिर एक अपघटकीय प्रदूषक है या फिर एक अपघटनीय उर्वरक होता है या फिर DDT अर्थात डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम होता है। तो मित्रों, इसका सही जवाब है कि DDT एक अनअपघटकीय प्रदूषक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। अगर फसल चक्र के द्वारा दोस्तों मिट्टी में संभवता बढ़ जाती है फॉस्फोरस की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, चावल, गन्ना, गेहूं या फिर मक्का। तो इनमें से खरीफ की फसल नहीं है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी गेहूं, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति संबंधित है किससे। 2011 में पूछा गया प्रश्न है, MPTET में है। तो नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, ये है मत्स्य उत्पादन से संबंध रखती है। प्रश्न है कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या फिर जलवायु प्रदूषण। तो मित्रों तो अत्यधिक चारण का परिणाम होता है कि मृदा अपरदन होने लगता है। अगला प्रश्न है कि DDT क्या है। एक खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। तो दोस्तों DDT है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है कंटूर, कृषि भूमि अपरदन, ये सुमेलित नहीं। इसके अलावा हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इनमें से रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है मित्रों कंपोस्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है, अभी आपको ये बताना है। तो इनमें रबी की फसल है प्यारे दोस्तों चना। प्रश्न है कि पिसीकल्चर क्या है। तो पिसीकल्चर होता है प्यारे दोस्तों मछली पालन। मछली पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर वैज्ञानिक नाम। ओके, तो पिसीकल्चर क्या है, जिसमें मछली पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। अगला प्रश्न है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा का क्या होता है। क्या विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है मिट्टी, या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त तो बन जाती है, या फिर ये उर्वर या उपजाऊ बन जाती है, या फिर ये बंजर हो जाती है। तो एक ही तरह की फसल अगर बार बार बहुत से रसायनों का उपयोग करके मृदा में उगाई जाती है एक ही फसल, तो इसके फलस्वरूप मित्रों क्या है, भूमि बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि झूम खेती होती है कहाँ। तो झूम खेती होती है दोस्तों कहाँ, मेघालय में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इनमें से किसान का मित्र कहा जाता है मित्रों केंचुआ को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरल भी है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है दिल्ली। प्रश्न है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो दोस्तों वृष्टि, वृष्टि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो कि भारत में कृषि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि हरी खाद से तात्पर्य किससे है। तो हरी खाद से तात्पर्य होता है दोस्तों किससे, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाने से। ओके, तो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। तो कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता होती है कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। इनमें से द्विबीजपत्री पौधा है मित्रों सरसों। अगला प्रश्न है कि BT कपास एक शंकर पौधा है या एक ट्रांसजेनिक या फिर एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। तो BT कपास होता है दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा। अगला प्रश्न है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है।
तो भैया जी ये पौधा है सरसों। और अभी हमने देखा था सरसों के बारे में कि सरसों कैसा पौधा होता है, ये एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसे खेतों की मृदा क्या होगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रह जाएगी या फिर जुताई के लिए उपयुक्त तो बन जाएगी या फिर बंजर हो जाएगी या फिर अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि मृदा जो है बंजर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों इनमें से बीज नहीं है साबूदाना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, यहाँ पर तो इनमें से सुमिलित नहीं है मित्रों कंटूर कृषि भूमि अपरदन। ओके ये हम प्रश्न ऊपर ही देख चुके हैं। अगला प्रश्न दो दो बार ये पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, इसीलिए हमने दो बार इसे ले लिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित मिट्टी है मित्रों जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, तो बागवानी के लिए उपयोगी होता है बर्मी कंपोस्ट। ओके अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है, तो लावा के द्वारा निर्माण होता है काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है कि किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो जल धारण क्षमता अधिक होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है कि निम्न में रबी की फसलें कौन सी हैं, तो दोस्तों इनमें रबी की फसलें हैं चना और गेहूं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि M.S. स्वामीनाथन कौन हैं, तो भैया जी M.S. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि यूफोरबेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है दोस्तों जेट्रोफा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन बना हुआ है, तो स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन बना हुआ है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो मित्रों इस वीडियो में मात्र इतने ही प्रश्न, आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन टीम के साथ और हमारे यहाँ आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।